पावनी गंगा का दर्शन करके राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र सभी अभिभूत हो गए। जो गंगा स्वयं श्री हरि की चरणों से निकली हो उन्हीं का दर्शन करके धन्य धन्य होना ये प्रभु श्री राम की ही लीला हो सकती है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ते। गुरुदेव, गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? हाँ, और गुरुदेव आपने कहा कि गंगे तव दर्शनात मुक्ति, क्या सचमुच गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है? प्रिय राम और लक्ष्मण, इसके पीछे भी एक कथा है। ऋषि बैठ तब कथा बताई, राम लखन सुनी ध्यान लगाई। बहुत पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था और वे एक पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। क्या ये घटना हमारे ही कुल की है गुरुदेव? हाँ राम, राजा सगर रघुकुल के बहुत प्रतापी राजा थे। पुत्र पाने के लिए राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति के साथ हिमालय पर्वत पर महात्मा भृगु की तपस्या करने लगे। ओम भृगवे नमः, ओम भृगवे नमः, ओम भृगवे नमः। महाराज, हम आपकी घोर साधना से प्रसन्न हुए, बोलिए क्या वरदान चाहते हैं आप? बस एक ही कामना है, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बस आपके आशीर्वाद से यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो बड़ी कृपा होती। महाराज, आपको आपकी पहली पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र पैदा होंगे। हे महर्षि भृगुदेव, हम धन्य हुए, हम धन्य हुए। इसी प्रकार महात्मा भृगु के वरदान से राजा सगर को पुत्र पैदा हुए। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई और उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, किंतु पर्व के दिन ही यज्ञ के उस घोड़े को इंद्र ने चालाकी से राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। राजा के सभी बेटे चारों दिशाओं में फैलकर घोड़ा ढूंढने लगे। अंत में उन्हें वो घोड़ा वहाँ चरता हुआ मिला जहाँ महर्षि कपिल ध्यान में मग्न थे। गुरुदेव, उसके पश्चात क्या हुआ? सगर के 60,000 पुत्रों ने समझा कि महात्मा कपिल ही उनका घोड़ा चुरा ले गए थे, इसीलिए वे कपिल मुनि को ललकारने लगे। कपिल मुनि के ऊपर ऐसा आरोप सुनकर जब उनकी साधना टूटी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल थी। उनके सामने सगर के पुत्र थे। सगर पुत्रों पर क्रोध से भरकर कपिल ऋषि ने उन्हें भयानक श्राप दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।